जम्मू रिंग रोड जिसके 5 फेजेस जो विजयपुर से बलवाईओ सीएल सीओ स्मार्ट सिटी काउंसलर्स और हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के प्रतिनिधित्व जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 73 कर रहे हैं। सर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट प्लान की बात करूं तो रोड बढ़ाकर कर दिया गया है जो कि एक एथ भी इस साल के बजट में शामिल किया गया है जिसके तहत के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। सर Inclusion for all of us, where Jammu city has been gifted with so many facilities. Hero, beneficiary team, Rashma Devi, Tayyar Rani, Magotra Dhansal se, Marina Bibi, Preha Dhansal se, Nevalin, Rajinder Kumar Bhandari, street vendor card se inhe kar, Rehari zone, इनका इलाका है। लोटा तालियों से मैं सभी मेहमानों से कहूंगी कि इन्हें डमी कीज पेश की जा रही हैं। कमिंदर कुमार पटियाली कोरगा जम्मू ते हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री हरदीप सिंह पुरी आवास विभाग यानी कि हाउसिंग डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री आवास विभाग यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरमर कि वह अपने साथी सरपंच अविनाश रंजीतपुरा जम्मू के रहने वाले हैं इन्हें पैडी सैंक्शन लेट शर्मा सन ऑफ सतपाल शर्मा जी कौशल कुमार शर्मा सन ऑफ लेट श्री ज्ञान सिंह सगुन सुरी। मैं जब से कल आया हूं मैं आपको हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के बारे में बता रहा हूं। मैंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है हमने पिछले कांग्रेस सरकार की कंपैरिजन में 7 गुना ज्यादा केंद्रीय योजनाओं पे इन्वेस्टमेंट की है और सारी जो हमारी योजनाएं हैं बड़ी तेजी से इंप्लीमेंट हो रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं बता दूं डिमांड असेसमेंट ओरिजिनली थी 1 करोड़ आवास बनाने की उसको रिवाइज किया तो 1 करोड़ 12 लाख हुए और मैं बहुत प्रसन्नता से आपको बता रहा हूं कि 1 करोड़ 13 लाख हम सैंक्शन कर चुके हैं टारगेट से कहीं आगे और अभी भी डिमांड आ रही है। जब तक ये स्कीम है और मोदी जी का ये सपना था और उन्होंने कहा कई बार मेरा सपना है हर एक भारतीय नागरिक वो जहां पे भी रहता हो या रहती हो उनके सर के ऊपर अपना घर होना चाहिए पक्का घर जिसमें शौचालय किचन गैस कनेक्शन और जो भी सुविधाएं जरूरी है वो उस आवास में होनी चाहिए और उसका जो टाइटल है वो घर की महिला के नाम होना चाहिए। सो महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और ये प्रोजेक्ट सर मैंने तो देखा जो आपके जम्मू एंड कश्मीर के भी टारगेट थे वो भी अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो रहे हैं एक में 92% था कितना और मुझे आज ये बताया गया कि इसके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन है मार्च 2022 तक पर आपके जो सचिव हैं गुप्ता जी उमर को बता रहे थे ये दिसंबर 2021 तक ही इसकी सैचुरेशन कर देंगे। मैंने आपका सवाल समझ गया इसमें कोई पॉलिटिकल रेटोरिक की जरूरत नहीं कि यानी कि पीपल आर सफरिंग लेट मी एक्सप्लेन टू यू क्या है आप मेरे जो साथी हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रमेश्वर तेली जी उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दी है पर वो आधी स्टेटमेंट कोट हुई है मैं आपको पूरी स्टेटमेंट बता दूं। पेट्रोल पर स्टेट गवर्नमेंट्स और केंद्रीय सरकार दोनों इस पर टैक्स लगाती हैं। जो केंद्रीय सरकार की एक्साइज ड्यूटी है वो 1 लीटर पर 32 रुपए जो 32 रुपए पर लीटर केंद्रीय सरकार एक्साइज लगाती है शायद टेली जी ने यह कहने की कोशिश की और कहा भी उससे हम क्या क्या करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं महामारी के दौरान एक वर्ष में 90 करोड़ से अधिक हमारे जो नागरिक हैं उनको दिन का 3 समय का खाना मुफ्त दिलवाया नंबर वन। नंबर टू 2-3 दिन में हमारे जो वैक्सीन का आंकड़ा है ये 100 करोड़ से आगे निकल जाएगा। तीसरा प्रधानमंत्री आवास योजना शौचालय बनाना हमारी बहनों को उज्ज्वला का सिलेंडर देना 8 करोड़ पहले सिलेंडर दिए थे योजना
उज्ज्वला में योजना में 1 करोड़ अभी और दे रहे हैं और हम देते जाएंगे। तो उनका कहना था 32 रुपए में से हम ये करते हैं, 32 रुपए लीटर लेता। एंड द जीएसटी काउंसिल हैज टू डिटरमिन दिस, एंड द जीएसटी काउंसिल एक्चुअली शुड वर्क ऑन कंसेंसस। भाई साहब यहां तो कंसेंसस उल्टा है, 2 टैक्स हैं जो कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं हटाना चाहती। बता दूं कौन से 2 हैं, आपको जानकारी होगी। अभी बोलिए, आपको पता होगा, एक पेट्रोल और डीजल का टैक्स है और दूसरा पता है कौन सा टैक्स है ना, जो कभी नहीं हटाएंगे, दारू का। असलियत है तो अभी इसमें आप कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट टेक अ कॉल, आई एम विलिंग टू टेक अ कॉल, बट डू आई हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू टेल अ स्टेट गवर्नमेंट। वो कहेगा आप कौन होते हो, हमारे चाचा लगते हो। अभी मैं लैंड की भी बात करता हूं, ये तो मोदी जी की सरकार ने जो योजनाएं बनाए इस अच्छे तरीके से बनाई है कि ये वो योजनाएं जो हैं दे आर काउच्ड इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लैंड स्टेट गवर्नमेंट का। हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि हम इसमें आपको इंसेंटिव दे रहे हैं और सेंट्रल की थोड़ी असिस्टेंट दे रहे हो, आप हमारे साथ बैठ के ये योजना चला रहे हो। मैं दावे से कहता हूं कि अगर ये सेंट्रल स्कीम नहीं होती तो कई ऐसी स्टेट्स हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कौन सी, कई ऐसी स्टेट्स हैं जो इसको इंप्लीमेंट ही नहीं करती। मैंने सुन लीजिए, स्मार्ट सिटीज 2 किस्म की हैं। एक है जो नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे नया रायपुर है। दूसरी है जहां पे एरिया बिल्ड डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स टेकअप किए हैं। ये स्मार्ट सिटी ने ये जिम्मेवारी नहीं ली है कि सारे स्टेट का ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर देगा, वो है ही नहीं उसमें। आप में, आप जैसे जम्मू की स्मार्ट सिटी है, मैं आपकी सीईओ जो है अभी थी यहां पे, उनको कहूंगा आपसे बैठ के उठे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है। और अरे फिर आप पहले आप देखिए, आप पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं, मैं आपको एक टेक्निकली चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो स्मार्ट सिटी जब इलेक्शन हुई थी उस समय आपके यहां से भी प्रोजेक्ट था, देश के 250 और जगह से भी था, 100 चूज किए गए। चूज किस बेसिस पे किए गए, उन्होंने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया था। अब ये कहना कि अब मैं आपको देता हूं, दिल्ली में स्मार्ट सिटी है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसका डिफाइंड एरिया। मान लीजिए अगर रोहिणी में ड्रेन्स ब्लॉक हो गई हैं तो बोर्ड क्या कहता है, मेरा बुनियादी सवाल है, पॉलिटिकल बात हो गई। जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है उसकी इंप्लीमेंटेशन पर फोकस करिए, बाकी जो ड्रेनेज है वो स्मार्ट सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।